इलाहाबाद पुलिस ने एक 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम आफताब है, जिसके ऊपर 28 दिसंबर 2017 को धूमनगंज में दिनदहाड़े रवि पासा की हत्या का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। दिसंबर 2017 में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था इलाहाबाद में, रवि पासी की हत्या हुई थी। उसमें लगभग पिछले 5 महीनों से फरार था आफताब नाम का अपराधी। ये मुख्य साजिश करता था। कल इसको थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। इस पर 20,000 का इनाम चल रहा था। शातिर अपराधी है, मुख्य सदनकर्ताओं में से था और इसकी गिरफ्तारी से काफी इस मुकदमे की विवेचना में और इसमें जो और बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी में हमें सहयोग मिलेगा। अभी इसमें 2 लोग बचे हैं, उनके ऊपर भी इनाम है और हमारी टीम उस पर लगी हुई है। बहुत जल्दी हम उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने रवि पासी की हत्या के आरोप में एक आरोपी जुल्फिकार को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धूमनगंज क्षेत्र से फरार आफताब को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।